नेपाल प्रीमियर लीग में नए अगर अपडेट्स की यहाँ पर बात करें तो कल का दिन भी बहुत ज्यादा हलचल भरा रहा। जी हाँ, बहुत सारी अपडेट्स निकल कर यहाँ पर आई हैं। और सबसे पहले अपडेट की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंटली जो वीडियो हमने पिछला वीडियो फिनिश किया था जिस चीज़ पर, उसमें शुरुआत करते हैं, बात करेंगे ट्रॉफी की। जी हाँ, फाइनली जो है ट्रॉफी जो वो रिवील हो गई है और कुछ इस तरीके की यहाँ पर दिखने वाली है ट्रॉफी, जो कि पहले अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। और ऊपर जो एक पत्थर टाइप का देख रहे हैं वो भी एक माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता हुआ लगता है, तो अपना एक कल्चर भी उसमें ऐड ऑन यहाँ पर किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अयान को, अयान ने सबसे पहले वो ट्रॉफी देखी, उसके बाद उन्होंने मुझे सेंड किया, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही कि देखिए बहुत अच्छी, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही, कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप का हमें ट्रॉफी देखने को मिला। वरना हम आजकल देखते हैं या तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का रेप्लिका होता है या फिर फुटबॉल से कुछ चुरा के डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो थोड़ा अलग हमें यहाँ पर मिला, तो इसलिए वो एक अच्छा लगा कि चलिए कुछ अलग देखने को मिला, तो अच्छी ट्रॉफी है, दिल के लिए कहना चाहेगा। और उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उन्होंने फोटोशूट भी कराया, या आप देख रहे हैं ट्रॉफी के साथ, और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर सर भी वहाँ पर, जी हाँ, वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व है, और सारे मार्की प्लेयर्स जिसके साथ आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो एक छोटा सा इवेंट टाइप का हुआ था, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, अलग चीज है वो, उसमें दिया उन्होंने थोड़ा सा फनी वे में भी, थोड़ा प्लेयरों के बारे में बहुत अच्छी लाइनें बोली और उनको मोटिवेट किया आने वाले टूर्नामेंट। बिल्कुल, और मार्की प्लेयर्स वहाँ सारे मौजूद थे, बाकी सारे ऑफिशियल्स भी थे। फैन की बात करें तो ये कुछ ट्रॉफी रही जो कि बहुत अच्छी ट्रॉफी है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको एनपीएल की ट्रॉफी जो है वो कैसी लगी, एट आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस ट्रॉफी को। मार्क्स मत दीजिए क्योंकि उसमें कल्चरल एक सिंबल इन्वॉल्व है, तो अगर मार्क्स नहीं चाहिए आप सिर्फ इतना बताइए कि अच्छा कैसा लगा आपको ये ट्रॉफी। खैर, उसके बाद अगली अपडेट्स की बात करें। जरूर, अगली अपडेट की बात करें तो विराट नगर किंग्स के हेड कोच, जी हाँ, और अगर हम देखें मिस्टर केविन ओब्रायन, जी हाँ, जो कि बहुत मशहूर है, आयरिश लेजेंड, जरूर नाम ही काफी है उनका जो उन्होंने काम किया है अपना क्रिकेट से, तो वो आ चुके हैं नेपाल और मेंटर के अपने माफ कीजिएगा हेड कोच के अपने पोजिशन को संभालने के लिए विराट नगर किंग्स के। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं पहुंचे थे, ये वही की फोटो है जब वो आए, उसके बाद उनका जो वेलकम वगैरह हुआ। खैर, उसके बाद अगर अगले यहाँ पर प्लेयर की अगले अपडेट की बात करें तो सुदीप पश्चिम रॉयल्स के जो मेंटर हैं, जी हाँ, ब्रेड हॉज, वो भी कहीं ना कहीं कल पहुंच चुके हैं नेपाल में और टीम के साथ जुड़ गए हैं, और उनके साथ लगातार टीम को एक शेप अप करने, एक स्ट्रांग टीम बनाने के लेकर शेप अप करने में वो पूरी हेल्प करते रहेंगे। जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे प्लेयर्स के साथ, और उनको भी आप देख पा रहे हैं जो वो नेपाल में यहाँ पर आए हैं। अभी हम इतना श्योर नहीं है, लेकिन शायद ये उनके बेटे हैं जो उनके साथ में है, जो फोटो में हो सकते हैं, अगर आपको पता है था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शायद ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने बेटे के साथ आए हैं। खैर, ओवरऑल उसके बाद अगर बात करें अगली अपडेट के बारे में, उस प्रैक्टिस मैच के बारे में बताइए जो काठमांडू और कर्नाली कल खेलने वाले थे, क्या हुआ उस मैच का? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो कर्नाली आज से पहले बैटिंग की थी और 158 रन उन्होंने बनाए, और वहीं पर जब काठमांडू इसे चेस करने आई तो 124 रन पर ऑल आउट हो गई, और 34 रनों से कर्नाली आज से ये प्रैक्टिस मैच जो है वो अपने नाम किया, और एक शुरुआत जो कहेंगे प्लेयरों का वार्म अप वो हो गया बहुत अच्छी तरीके। बिल्कुल, चलिए प्रैक्टिस मैच हुआ जहां पर कर्नाली आर्क्स ने शुरुआत अपने अच्छे तेवर दिखा दिए हैं पहले ही मैच में, लेकिन प्रैक्टिस मैच था, मेन इवेंट में, मेन मैचेस में ओवरसीज प्लेयर्स इंक्लूड होकर तब अलग मजा आएगा, अलग एक स्ट्रॉन्ग टीम्स होगी, तब देखा जाएगा कौन कौन सी टीम है, क्या पता कर्नाली आर्क्स वहां पर भी हरा दे, लेकिन क्या पता काठमांडू भी वहां पर जोरदार वापसी कर ले। तो ये बात हो गई इसकी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया, यहाँ पर बहुत सारे जो फैंस हैं उन्होंने भी सोचा था कि होम और अवे का जो एडिशन है वो अगर एनपीएल में हो तो बहुत बेहतर रहता, बहुत की राय थी यहाँ पर, लेकिन उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। और वो अपडेट क्या है, क्या हमें अगले सीजन से, नेक्स्ट सीजन 2 से होम अवे देखने को मिल सकता है, या फिर हमें थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनका बयान है। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें मिस्टर चुंबी लामा जो कैन के स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे और थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्ट करे तो जरूर ग्राउंड्स में इन्वेस्ट करे और सपोर्ट करे गवर्नमेंट अगर हमें, तो फिर थर्ड एडिशन से, जी हाँ, थर्ड एडिशन यानी कि अगर हम देखें 2024 नहीं 26 का जो एडिशन होगा, थर्ड एडिशन, उससे होम और अवे के मैचेस कराए जा सकते हैं, पर उसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना होगा और इन्वेस्ट भी करना होगा ग्राउंड को लेकर। तो ये कहा है मिस्टर चुंबी लामा ने, जो कैन के स्पोक पर्सन
बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 अलग अलग जगहों की टीमें हैं तो उन जगहों पर उनके खुद के होम मैचेस होना, वैसी फैसिलिटीज, वैसी क्वालिटी, और आप सोचकर देखिए इतना आसान नहीं होगा। तो वहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट और इन्वेस्ट भी वहाँ पर अच्छा खासा चाहिए होगा हर जगह पर इतनी हाई क्वालिटी की पिचेस वगैरह, क्योंकि आप लीग खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाएंगे, बड़े स्टार स्पोर्ट्स जैसे ब्रॉडकास्टर्स को आपको उन जगह जगह पर अपने अपने उन 8 जगहों पर प्रोवाइड कराने होंगे कैमराज वगैरह, दुनिया भर की फैसिलिटी। तो डेफिनेटली टीयू में जो फैसिलिटीज है उस लेवल की फैसिलिटीज आपको 7 और अलग अलग ग्राउंड्स में चाहिए होगी। तो डेफिनेटली ये टीयू वाला ग्राउंड तो चलिए काठमांडू और खासकर वो हो जाएगा होम ग्राउंड क्योंकि काठमांडू पास में है, लेकिन उसके अलावा जो 7 और ग्राउंड्स है वहां पर क्या टीयू जैसी फैसिलिटी अभी है? बिल्कुल नहीं है। वहां पर करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट और अच्छा खासा भारी भरकम इन्वेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा अगर सपोर्ट मिलता है तो सीजन 3 यानी 2026 से इसे हम एक्टिव करने में कामयाब हो सकते हैं होम और अवे वाला, फिर और इंटरेस्टिंग यहां पर ये चीजें बन जाएंगी। उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आई है, यह सीधे स्कूल से रिलेटेड। बिल्कुल, लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो पोखरा एवेंजर्स जो है वो पोखरा में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में गए थे और अपने थोड़ा सा क्रिकेट प्रोग्राम को थोड़ा सा फनी से, जी हाँ, बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक इनिशिएटिव लिया, इनडायरेक्टली आईपीएल का प्रमोशन। जी हाँ, जरूर जरूर, वहीं पर अपने ही लोकल रीजन में पोखरा में। जी हाँ, पोखरा में। और अच्छा है, तरह तरह के इनिशिएटिव लाना चाहिए, पहला एडिशन है। आप जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता नहीं है, ये एक्चुअली आईपीएल कर रहा है, इसकी तारीफ करनी। जितने बड़े होते चले जाते हैं लोग ग्राउंड लेवल को भूल जाते हैं, ये हर चीज सोशल मीडिया में नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर होना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी का ही एक लेसन है कि आप जितने बड़े होते चले जाते हैं फिर वो जमीनी से आप हटते चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है देखकर जो लगा हमें नेपाल प्रीमियर लीग में कि जो प्लेयर है वो सड़कों पर। जी हाँ, ये सड़क नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो कितने भी आसमान में चले जाए, चलने के लिए आपको सड़क की जरूरत पड़ेगी, आसमानों की नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा देखकर, दिल को खुशी लगती है कि नेपाल प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स हैं वो सीधा ग्राउंड पे जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, ये आज के इस दौर में वीआईपी दौर में देखा जाता नहीं। जी हाँ, इंटरनेशनल टीम में अगर आप पहुंच गए तो एक दो साल में पैर नहीं जाता है कि वो भूल गए, अगर आपको बुलवाना भी है उन्हें तो आपको करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे तब वो मानेंगे। खैर, बहुत अच्छा है, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इस तरीके की अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि पूरी कोशिश की है और एशिया सब रीजन क्वालिफायर्स चल रहे हैं। कल अगर आप देखिए आप जो है मोस्ट शायद हमें यूएई क्वालिफाई करता हुआ नजर आया, अगर वो अपना मैच जीत जाते हैं तो वहां पर इक्वेशन बना हुआ है सेकंड रेस में, कतर भी अच्छा खासा जा रहा है और बाकी अफ्रीका सब रीजन चल रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, सारे इक्वेशन हो चुकी है, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। एशिया कप से एक दिन पहले एक डिटेल वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए।